गुड मॉर्निंग गाइस, आज जो हम साइंस में पढ़ने जा रहे हैं वह है टॉपिक हमारा जिसके बारे में हमने कल जाते वक्त बात की थी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज, जो कि टॉपिक हमने उठाया है यूनिट सेकंड से। अभी तक हमारा जो प्रोसेसिंग चल रही है वो यूनिट सेकंड की चल रही है। हमने टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज पढ़े, उसका एक जुड़ता हुआ हिस्सा है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। पहले हम टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद में उसके बारे में बात करते हैं कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज क्या है। इसके बारे में एक्चुअली जानते सब हैं लेकिन फिर भी अनजान है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमारे यूज़ में नहीं आती है उस चीज़ के बारे में हम अनजान ही बने रहते हैं, तो हमें उसका यूज़ करना बेहद ज़रूरी होता है ताकि हमारे लर्निंग में वो चीज़ आती रहे, हम उसके हैबिचुअल हो जाए और हमें उसका नॉलेज होने लग जाए। इसीलिए तो हम हर चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं, और रिपीट ना करें तो दिमाग से साफ हो जाती है, चाहे वो कोई भी क्लास की चीज़ क्यों ना हो। हमारा जो अभी तक चल रहा है वो है हमारे रिसोर्सेज, विच इज़ टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जिसके से जुड़ता हुआ एक हिस्सा मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिसोर्सेज। नाम साफ पता चल रहा है, लाइन मीन्स द नेटवर्क, और ऑफ एंड ऑन मीन्स जिसमें हम नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और जिसमें हम नेटवर्क से नहीं जुड़े हुए हैं। नेटवर्क मीन्स वाईफाई। अब देखिए, आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे ऑनलाइन रिसोर्सेज की। ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या है, यानी कि वो सामान जो हमें अवेलेबल करवाता है नेटवर्क के द्वारा, यानी कि अगर नेटवर्क नहीं है तो हमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाएगी। आज सभी जानते हैं कि इस नेटवर्क के लिए हम कितने ज़्यादा ज़रूरी है और वो नेटवर्क हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज कोरोना के अंदर ये काल जब आया तो बच्चों की पढ़ाई करना, एजुकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन अगर यही सारे रिसोर्सेस हमारे पास नहीं होते या फिर हमारे पास नेटवर्क नहीं होता तो शायद हम एजुकेशन से वापस नहीं जुड़ पाते, बहुत टाइम लग जाता हमें, हम पिछड़ जाते इन सब चीज़ों से। लेकिन एकमात्र ये सारा था जिसने हमें एजुकेशन से, लोगों से, सोशल मीडिया से और हमारे कम्युनिटी से हमें जोड़ करके रखा है। हमारे रिसोर्सेज में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा आता है कम्युनिटी। हम जितना भी नॉलेज लेते हैं सोशल में या फिर हम कम्युनिटी के साथ जुड़ कर कर ही लेते हैं, हमारा एक्सपीरियंस ऐड होता है। तो अब देखिए, हमारा जो जितना भी नेटवर्क आज जुड़ा हुआ है एजुकेशन से, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोगों तक जो काम कर रहे हैं, जो इन सर्विस हैं, उन तक ये रिसोर्सेज कैसे यूज़फुल हैं, कैसे ये साइंस में यूज़फुल हैं, इस बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, अब ये ऑनलाइन रिसोर्सेज जो हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है मैं आपके सामने खड़ी हूँ। वो कैसे, आज मैं आपकी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, आपका रिकॉर्डिंग रहेगी इसकी, तो जब आपकी इच्छा होगी, जब आप ये क्लास देखेंगे, आपको अगर इसमें कुछ यूज़फुल लगेगा आप उसे सुनेंगे, और अगर ज़्यादा यूज़फुल होगा तो आप उसे नोट डाउन करेंगे। अब ये सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आपके पास अवेलेबल क्या होगा, एक टेक्स्ट बुक। अगर मेरे पास टेक्स्ट बुक भी नहीं है तो ये एकमात्र ऐसा सारा है जो आपको ई बुक के नाम से आपको अवेलेबल करवाता है उन सारी टेक्स्ट बुक्स को जो आपको घर बैठे मिल सकती हैं। आज हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं या फिर हमारा जो रिमोट सेंसिंग एरिया है आज हमें वो अवेलेबल करवाएगा घर पर बैठे सारी चीज़ें, उन्हीं को हम कहते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो बिना समय व्यस्त किए हुए हमें सारी चीज़ों को घर पर बैठे कम समय में सब अवेलेबल करवा देता है, यानी कि हमारी नॉलेज को बढ़ावा देता है, वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करूँ जिसके बारे में सब जानते हैं क्या, वो है सबसे बड़ा एग्जांपल गूगल का। आपको पता होगा कि आज अवेलेबल सब कुछ है गूगल पर, आप ओके गूगल करेंगे सब कुछ, आप जो जानना चाहेंगे वो आपके सामने होगा। अब अच्छा क्या है, अच्छा ये है कि इसके ऊपर सभी सब्जेक्ट्स की स्लाइड्स और साथ में प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। ये आपको एक गूगल डॉक्स के नाम से अवेलेबल करवाया जाता है। आज हम बात करें साइंस की, तो साइंस से अवेलेबल सारी चीज़ें, सारी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें साइंस की, वो आपको इस पर अवेलेबल होंगी गूगल डॉक्स नाम से। गूगल डॉक इज़ अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर इस तरीके का है कि आपको ये गूगल स्लाइड्स अवेलेबल करवाता है, शीट्स अवेलेबल करवाता है,
ये गूगल डॉक आप साइंस के अंदर किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, उसको किसी भी ब्रांच में उसके बारे में जानना चाहते हैं, ये आपको अवेलेबल करवाता है। ये गूगल डॉक है जो आपको ओके गूगल करते ही आपको सारी इंफॉर्मेशन सामने रख देगा। सेकंड जो सबसे फेवरेट लोगों का है वो है यूट्यूब। मुझे नहीं लगता कि YouTube ऐसी कोई भी चीज़ होगी या ऐसा कोई भी टॉपिक होगा जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं दे सकता। ये आपको सब कुछ दे सकता है विद वीडियोस, लेकिन ये सबके लिए भी तो अब नहीं हो पाएगा पॉसिबल। मान लीजिए जो हैंडीकैप पीपल्स हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं या जो उस चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो भी अवेलेबल करवाता है गूगल। या फिर जो अच्छा देखना पसंद करते हैं, न्यूज इमेजेस देख करके करना चाहते हैं, या फिर उस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं विद द प्रैक्टिकल, वो आपको यूट्यूब अवेलेबल करवाएगा। फॉर एग्जांपल, आज अगर मुझे लेबोरेटरी से रिलेटेड कुछ भी चाहिएगा, मीन्स मुझे आज सबको पता है कि एक खास चीज़ जो है वो है वर्चुअल क्लासेस। वर्चुअल क्लासेस के साथ में आपके आता है वर्चुअल लैब्स। अगर मैं साइंस की बात करूँ तो वर्चुअल साइंस के नाम से या वर्चुअल लैब्स के नाम से अवेलेबल है। ये एक आपको पता है कि वेबसाइट है जो आपको अवेलेबल करवाती है एवरीथिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कैसे आप लैब्स को बनाएंगे, कैसा उसका प्रोसीड्यूर होगा, एप्टीट्यूड कौन कौन से चाहिए, कौन कौन से चीज़ें आपको उसमें बनानी है, स्लाइड्स कौन सी हैं उनके अंदर, प्रेजेंटेशन में क्या होगा, आपको किस तरीके से उन चीज़ों को हैंडल करना है, एवरीथिंग सब कुछ है उसमें, एक्सपेरिमेंट्स, डिस्कवरीज, एवरीथिंग। तो वो सारी चीज़ें आपको कहाँ अवेलेबल होंगी, वर्चुअल लैब्स में। ये नॉलेज आपको साथ में देता है यूट्यूब। अगर आपको पर्टिकुलर एरिया में जाना है, पर्टिकुलर रीजन के बारे में जानना है, तो वो आपको अवेलेबल करवाएगी वर्चुअल लैब्स, विच इज़ ऑनलाइन रिसोर्स। अब देखिए इसके बाद में जो सबसे फेमस है, जो जो मुझे विद डेफिनेशन बताएगा, जो एक्चुअल में अगर कहूँ कि वीडियो ना हो करके मुझे उसको रिटर्न फॉर्म में चाहिए और एकदम एग्जैक्ट उसका मीनिंग चाहिए जो यूनिवर्सल हो। ये तो जो अलग अलग लोग होते हैं जो अपने थॉट्स रखते हैं वो अपना इसमें चीज़ बताएंगे, लेकिन जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल फैक्ट है, वो आपको बताएगा विकिपीडिया। विकिपीडिया के बारे में सब जानते हैं, ये एक खास है जो ऑनलाइन रिसोर्स है। मुझे विद डेफिनेशन चाहिएगा, अलग अलग डेफिनेशंस की बात नहीं करती, मैंने यूनिवर्सल नाम लिया। तो वो चीज़ जो सबके द्वारा प्रमाणित है, स्टैंडर्डाइज्ड है, स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ मुझे कौन अवेलेबल करवाएगा, विकिपीडिया। इट्स अ टाइप ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। ये एक तरह का इंसाइक्लोपीडिया है जो सभी सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जो डेफिनेशंस रखता है, मीनिंग्स रखता है, उसके टाइप्स रखता है, वो है विकिपीडिया। इसके अंदर वो नॉलेज होता है जो हम अच्छी से अच्छी, महंगी से महंगी किताबों में ढूंढते हैं, ये वो चीज़ रखता है विकिपीडिया है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हमारा साइंस से रिलेट नहीं है, ये सभी चीज़ों से रिलेट करता है। ये सिर्फ वो रिसोर्सेज हैं जो आपको एक चीज़ से जोड़ करके पर्टिकुलर लर्निंग करवाते हैं, एक टीचिंग में हेल्प करते हैं। अब मैं जो बात कर रही हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्चुअल लैब, रिमोट क्लासेस और डिस्टेंस लर्निंग, चलो मैं लिखती हूँ वरना आप लोगों के दिमाग में भी वो चीज़ नहीं रहेगी। डिस्टेंस लर्निंग, सब जानते हैं कि जितने भी आज बच्चे घर पर बैठे डिग्री ले रहे हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट है या जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दूर दूर कॉलेजेस में नहीं जा पा रहे हैं, या जो एक बच्चा है जो रेगुलर में है, एक जो है वो प्राइवेट में डिग्री लेना चाहता है, तो उनके लिए सबसे खास चीज़ है डिस्टेंस लर्निंग। ये ऑनलाइन रिसोर्स में हम इसको क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसका जो असाइनमेंट्स होते हैं, इनकी जो क्लासेस होती हैं, वो नेटवर्किंग से जुड़ती है, वो हमें ऑनलाइन ही जोड़ करके रखती है। तो डिस्टेंस लर्निंग वो लर्निंग है जो घर बच्चे को ऐसे एरिया तक पढ़ाती है, ऐसे एरिया तक टीचिंग अवेलेबल करवाएगी, ट्यूटर्स अवेलेबल करवाएगी, क्लास रूम का जो इन्वायरमेंट होगा या जो हमारे स्टडी मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल करवाएगी, जो उसको दूर बैठे ही मिल सकता है, जो वो स्कूल जा करके बैठ करके वहाँ पर नहीं ले सकता चार दीवारी में।
डिस्टेंस लर्निंग है, सब जानते हैं, इसी से रिलेटेड है आपकी रिमोट क्लासेस यानी कि वर्चुअल क्लासेस। ये एक माहौल तैयार करते हैं जो हमें असाइनमेंट करवाने में या फिर हमें क्रिटिसाइज करने में, मोटिवेशन करने में, हमारे रिव्यूज़ देने में हमें मदद करते हैं। रिव्यूज़ में एक नाम मुझे याद आता है जिसका नाम है आपका लाइव स्ट्रीम्स। ये वो स्ट्रीम्स हैं जो आपको एक पर्टिकुलर क्लास में डालती है। मीन्स ये आप जितनी भी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ये रिकॉर्डेड होती हैं, ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस मीन्स आज जैसे मैंने क्लास मेरी रिकॉर्ड कर ली, जब मुझे लगेगा मैं उसको क्लास में जैसे ही वो टॉपिक आएगा या सुइटेबल टाइम पीरियड होगा उसमें मैं बच्चों को वो रिकॉर्डेड क्लास जो है मेरी या रिकॉर्डेड टॉपिक जो है वो मैं बच्चों के सामने रखूँगी, लाइव रखूँगी। अब वो जो क्लास है मेरी जो मैंने रिकॉर्डेड है वो साइड में चलेगी और उसमें जो बच्चों को प्रॉब्लम्स लगेगी वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनको आंसर दूँगी। ऐसे भी चलता है, एक होता है जिसमें बच्चा रिटर्न में मुझे शिकायत लिखता है, हम उसको वापस बोलते हैं, मींस वीडियो कॉल के द्वारा भी हम उसको कर सकते हैं। तो इसमें हम अगर मैं लिख देती हूँ वीडियो कॉल तो भी आप समझ जाइएगा, इसमें बच्चे वीडियो कॉल्स के द्वारा भी पढ़ते हैं। आज ये चीज़ आम चीज़ हो चुकी है, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो कॉल्स, सबको पता है। अब YouTube हो गई, Google Docs हो गया, इनके अलावा सॉरी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ बाकी रही है। मुझे सिर्फ अब लेना है साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स, ये भी साइंस के ही हैं, इनको भी हम यूज़ करते हैं साइंस के किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए। लेकिन कुछ खास चीज़ें हैं, खास रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन जो हमें साइंस के तरफ जोड़ते हैं, साइंस की तरफ बढ़ावा देते हैं या हमें हमारे अंदर एक जागरूकता को पैदा करते हैं, वो मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। देखिए सबसे पहले जो साइंस से रिलेटेड आता है वो है आपका CK12 क्या है? CK12 इतनी फैंटास्टिक वे है, इतना इजी वे है पढ़ने का। इट्स अ फ्री एंड फैंटास्टिक वे टू लर्न साइंस। ये आपको इस तरीके से इतने अट्रैक्टिव वे से साइंस से जोड़ता है, साइंस के हर एक टॉपिक से जोड़ता है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। ये हमें उन सब चीज़ों से बाहर निकाल के लाता है, जितना भी हमारा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है वो सारी चीज़ों से हमें बाहर लाता है CK12। जो भी कंफ्यूजन है वो आपका सारा क्लियर होगा इन क्लासरूम्स में, ये क्लासरूम्स की होती है। एक आता है क्विजलेट, सब जानते हैं इसके बारे में भी, और अगर नहीं जानते तो गूगल पर जाइए, सर्च मारिए क्विजलेट क्या है, आपको पता चलेगा। अब देखिए ये क्विजलेट क्या है। क्विजलेट जो है फ्री स्टडी ऐप है। ये फ्री स्टडी ऐप जो है ये आपको खूब सारी चीज़ें अवेलेबल करवाता है घर पर बैठ। ये क्विजलेट मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, ऑलमोस्ट 70-80 मिलियन पीपल्स जो फॉलोवर्स हैं इसके, जो लर्नर्स हैं, चाहे वो टीचर हो चाहे के स्टूडेंट हो साइंस के, वो इनसे जुड़े हुए हैं। बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये पढ़ते हैं, ये उनको जोड़ करके रखता है साइंस के उन सारी चीज़ों से जो आने वाले समय में होने वाली है, या फिर उन सब चीज़ों के साथ में जिनके साथ में हमें एक रिसर्च के रूप में आगे बढ़ना होता है। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसमें कुछ कार्ड्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, डिजिटल फ्लैश कार्ड्स। ये बात आप ध्यान रखें इसमें कि इसमें डिजिटल फ्लैश कार्ड्स के द्वारा पढ़ाई की जाती है। ये डिजिटल फ्लैश कार्ड इतने फैंटास्टिक होते हैं कि बच्चा उसको बड़े ईजी वे में मेमोराइज कर सकता है, रिव्यूज़ मिलते हैं, उनको फीडबैक्स मिल सकते हैं, वो क्रिटिसाइज होता है और साथ में उसको फीडबैक भी मिलता है। फीडबैक मिलकर के उसको रिव्यूज जो मिलेंगे उससे वो आगे बढ़ेगा, वो मोटिवेट होता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे बच्चा सेल्फ स्टडी कर करके साइंस के आने वाले भविष्य को देखता है, उन सब कन्फ्यूजन्स को क्लियर करता है जो उसके दिमाग में अभी तक घूम रहे हैं।
वो है क्विजलेट। अब थोड़ा सा मुझे रब करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अब आगे चलना है, तो यहाँ पर चलते हैं। अपन वर्चुअल क्लासेस हटा देते हैं, वर्चुअल लैब्स भी हटा देते हैं। वर्चुअल लैब ध्यान रखिएगा, मैथ्स में, बायो में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एवरी ब्रांच ऑफ साइंस, वर्चुअल क्लास, वर्चुअल लैब्स आर अवेलेबल फॉर देम। जो थर्ड चीज़ आती है वो है आपकी प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग। ये क्या है भैया? ये वो चीज़ है जो आपको प्रोजेक्ट्स देगी, अवेल कराएगा। प्रोजेक्ट्स ना बोल करके अगर हम बोले उनको ई बुक्स, ये ई बुक्स फ्री अवेलेबल करवाई जाती है फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर द साइंस स्टूडेंट्स फ्री ई बुक्स है। कितनी? 60,000 से ऊपर, ओवर 60,000, 60,000 से ऊपर ई बुक्स इसमें फ्री बच्चों को दी जाती है। वो भी किस लिए? स्टडी करने के लिए। आप मस्त पढ़िए, उसमें अपने क्वेश्चंस रखिए, किसी भी स्टडी बुक से रिलेटेड उनको नोट डाउन करें, नोट डाउन करके उनको सर्च मारें और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आप खुद हैंडल कर सकते हैं। ये है एक तो। एक फोर्थ जो है वो आपको बताऊँ मैं, TED, ये एक स्टडी ऐप है टेड के नाम से। ये भी साइंस के स्टडी ग्रुप्स हैं। इसमें बच्चा जो होता है वो चाहे तो क्लासमेट्स मीन्स पी ग्रुप्स के साथ में पढ़ सकता है, चाहे तो वो इंडिविजुअली उसमें पढ़ सकता है, चाहे तो इसमें वह टीचर्स जो होते हैं फॉरेन के उनसे हेल्प ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनके लिए होती हैं। एक है आपका इसके अंदर डिस्टेंस लर्निंग भी हटा देती हूँ मैं। इसमें फिफ्थ आता है डॉसमोस के नाम से, आप सर्च मारें, वेरी इंटरेस्टिंग, डॉसमोस विच इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू दी मैथ्स, फिजिक्स एंड साइंस। डॉसमोस जो है उसके अभी तक में दो ब्रांचेस इसमें अवेल करवाई गई है। जो डॉसमोस के अंदर देखिए, एक आता है साइंटिफिक, एक आता है आपका इसके अंदर कैलकुलेशन, जो कि रिलेट करता है कम्प्लीटली मैथ्स से, और साइंटिफिक वाला आपके आएगा कम्प्लीटली एक्सपेरिमेंटल। ये आपको ये कैलकुलेशंस मींस है कैलकुलेटर, ये आपको अवेल करवाए गए हैं फॉर सम मैथ्स। और बहुत सारे डॉसमोस के फॉलोअर्स हैं जो आज भी कैलकुलेशंस करने के लिए, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए डॉसमोस को यूज़ कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो अ स्टडी ऐप जो कि साइंस रिलेटेड है। अच्छा, अब मैं एक बार ये भी हटा देती हूँ। एक अगला जो है छठा, ये आपको सारे नोट डाउन करने हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, और ये ऑनलाइन रिसोर्सेज जो साइंस रिलेट करते हैं आपको याद होना चाहिए। एक आता है PhD, ये भी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आपको वो फिलॉसफी समझाता है साइंस की जो आगे जाकर के आपके काम आने वाली है। मतलब आपको ये साइंस के फ्यूचर से जोड़ता है, भविष्य से जोड़ता है। लेकिन आप जो अभी पढ़ना चाह रहे हैं, मीन्स चाहे वो किसी भी डिग्री का हो, किसी भी डिप्लोमा का हो या किसी भी स्ट्रीम का हो, वो आपको जोड़ता है इस। लेकिन वो स्ट्रीम जो है, वो ब्रांच जो होनी चाहिए वो है साइंस ब्रांच। इसमें आपको कुछ बुक्स अवेल करवाई जाती है इसमें, और इसमें जो होती है VC होती है, इसमें वेबिनार्स होते हैं, इसमें डिबेट्स होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये उन लोगों के लिए ही है जो साइंस के उन टॉपिक्स को के बारे में नॉलेज रखते हैं। नॉलेज भी ये ऐप आपको देगा, स्टडी करवाएगा, लर्न करवाएगा, और साथ में आपको उन लोगों से जोड़ेगा, उस कम्युनिटी से जोड़ेगा, उस मीडिया से जोड़ेगा जो आपके इंटरेस्ट की हो। आपके जो इंटरेस्ट का टॉपिक होगा वो उससे आपको जोड़ करके आगे बढ़ाएगा और उन सभी लोगों से मिलाएगा जो इसकी पूरा पूरा नॉलेज उस स्ट्रीम का रखते हो। उसके बाद में आप इसके साथ में आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज। इन ऑनलाइन रिसोर्सेज को आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और एक एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी लिखनी है कि कौन सी क्या चीज़ है, क्विजलेट क्या है, CK12, डॉसमोस, कैडिड या प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग क्या है, ई बुक्स क्या होती है, वर्चुअल जो लैब्स के बारे में मैंने बात की वो क्या है, विकिपीडिया क्या है, वीडियो कॉल्स के अंदर क्या होता है, या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस क्या होती है, रिमोट सेंसिंग एरियाज के अंदर क्या होता है, ये क्लासेस कैसे काम में दी जाती है,
इसका हम आगे बच्चों में क्या हम बढ़ावा दे सकते हैं या उसका फीडबैक हम कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें एक भी ऐसी नहीं है जिसमें कहीं ना कहीं वो कमी हो जो हमें क्लासरूम का इन्वायरमेंट नहीं दे रही है या हमें वो मटेरियल नहीं अवेलेबल करवा रही है। वो सब कुछ है इनके अंदर, जो जिन जिन चीज़ों की हमें साइंस में ज़रूरत होती है या हमारे नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ है इनके अंदर। बस आपको इनमें पढ़ने की ज़रूरत है, अपने इंटरेस्ट के द्वारा देखो और ऑनलाइन के रिसोर्सेज को काम में लीजिए। चलो, हैव अ नाइस डे। हम फिर अगली क्लास में बात करेंगे ऑफलाइन रिसोर्सेज की, ये इम्पोर्टेंट क्यों हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं और हमारे लिए साइंस में किस तरीके से यूजफुल होते हैं।